हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का एक और हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू अंजलि मेहता के बारे में, जिसका नाम है सुनैना फौजदार। तो गाइस, आप सभी लोग जानती होंगे कि तारक मेहता शो में काम कर रही अंजलि भाभी को बदल दिया गया है। तो गाइस, आज हम उन्हीं न्यू अंजलि भाभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, आज हम जानेंगे उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनकी शिक्षा के बारे में और की शादी के बारे में, उनकी इनकम के बारे में। तो चलिए गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सुनैना फौजदार का जन्म 19 जुलाई 1986 को मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। अब हम बात करें उनके टेलीविजन के बारे में। तो सुनैना फौजदार ने अपना टेलीविजन करियर 2007 में स्टार प्लस के टीवी सीरियल संतान से शुरू किया। 2008 में सोनी टीवी के सीरियल मीत मिला दे रब्बा में वह निक्की की भूमिका में उजागर हुई। 2010 में उन्होंने सोनी टीवी के सीरियल अदालत में नियति शर्मा का किरदार निभाया। उसी साल उन्होंने रहना है तेरी पलकों की छांव में नंदिनी का किरदार निभाया। और 2008 में शुरू हुए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 2020 में उन्होंने अंजलि मेहता का किरदार निभा रही नेहा मेहता को रिप्लेस किया और उसकी जगह न सुनैना फौजदार आ गई। तो खबरों की माने तो सुनैना और प्रोड्यूसर को इस बात का डर था कि दर्शक अंजलि भाभी के रूप में सुनैना को अपनाएंगे या नहीं, क्योंकि नेहा मेहता शो की शुरुआत से ही शो का हिस्सा रही थी। दर्शकों ने सुनैना फौजदार को अंजलि भाभी के रूप में खूब प्यार दिया। हम बात करें शो से उनको मिल रही एक अलग पहचान। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में सुनैना ने बताया कि उन्होंने इस शो के जरिए नई पहचान बनाने का मौका मिल रहा है। अब लोग उन्हें नई अंजलि भाभी के रूप में पहचानने लगे है। उन्हें दर्शकों से बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनैना को भी यह किरदार बहुत पसंद आ रहा है। हम बात करें उनके शौक के बारे में तो सुनैना को करीबी माने तो उन्हें शॉपिंग करने का बहुत शौक है। जब भी वो फ्री टाइम मिलता है तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो शॉपिंग करना पसंद करती है। अब हम बात करें उनके सोशल मीडिया पर तो सुनैना सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। सुनैना अपने फैन से कनेक्ट रहने के लिए सोशल मीडिया का यूज करना पसंद करती है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत पसंद है। वे समय समय पर सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के सवालों का जवाब देती है। साथ ही शूट और फैमिली टाइम स्पेंड करते हुए वो अपनी तस्वीरें भी शेयर करती है। अब हम बात करें उनकी शादी के बारे में तो उन्होंने 12 मार्च 2016 के दिन रोनाल्ड बंबवानी से शादी की थी। सुनैना ने अपनी लव स्टोरी की दाता एक इंटरव्यू में सुनाई थी। उन्होंने बताया कि वह और कृणाल दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब हम बात करते हैं उनकी इनकम के बारे में तो खबरों की माने जो सुनैना फौजदार को तारक मेहता उल्टा समय समय एक दिन एपिसोड शूट करने का 40,000 से 45,000 रुपये मिलते हैं। अब हम बात करें उनकी कुल नेटवर्थ के बारे में तो सुनैना के पास करीब 19 करोड़ की संपत्ति है। तो गाइस, ये थी सुनैना फौजदार के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी। तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।